हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपने टच साउंड को ऑन ऑफ करना हो तो कैसे करेंगे, आज इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर अपने टच साउंड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अपने फ़ोन में टच साउंड सेटिंग कैसे करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे, अपने फ़ोन की सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो जिसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम साउंड, सिस्टम साउंड पे आपको क्लिक कर देना है। सिस्टम साउंड पे जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाता है टच इंटरसेक्शन, इसे आपको ऑन कर देना है। अब आप कहीं भी टच करेंगे तो आपको जो एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको और साउंड भी मिल जाते हैं। डायल पैड साउंड मिल जाता है, सैमसंग कीबोर्ड साउंड मिल जाता है, चार्जिंग साउंड मिल जाता है, लॉक स्क्रीन अनलॉक साउंड मिल जाता है। जो आपको चाहिए वो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप अपने टच साउंड को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।